प्यारे बच्चों, आइए आज हम सीखते हैं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक हम स्टील को नहीं समझेंगे, हम टेरिडोफाइटा को नहीं समझ सकते। टेरिडोफिटिक प्लांट दुनिया के फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है। वैस्कुलर बंडल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम का विकास सबसे पहले टेरिडोफाइटा में हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि द फर्स्ट वैस्कुलर बंडल कंटेनिंग प्लांट्स आर टेरिडोफाइट्स या ट्रैकियोफाइटा भी इसे कहते हैं। अब सबसे पहले भी ये समझना होगा व्हाट यू मीन बाय स्टील। स्टील इज द सेंट्रल सॉलिड पार्ट ऑफ द प्लांट इन टेरिडोफाइट्स। इट इज फाउंड इन रूट एज वेल एज इन स्टेम। तो सेंट्रल सॉलिड पार्ट है ये, और स्टील के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, तो इंडोडर्मिस से लेकर के अंदर पिथ तक का पार्ट क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। यानी कि किसी भी टेरिडोफिटिक पौधे के स्टेम या रूट की हम स्टडी करें तो जो सेंट्रल सॉलिड पार्ट इंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम स्टील कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ होगा। वैस्कुलर बंडल जो कोलेटरल कंजॉइंट फॉर्म में, एडवांस फॉर्म में हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दिखाई देते हैं, यहाँ हमको प्रिमिटिव फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो स्टील को यदि हम पढ़ें, पाएंगे सबसे जो प्रिमिटिव टाइप का स्टील होता है दैट स्टील इज कॉल्ड प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील को हम नॉन मेडुलेटेड स्टील भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटो स्टील में पिथ नाम की कोई चीज नहीं होती है। यानी कि द सेंट्रल सॉलिड पार्ट, दिस सेंट्रल सॉलिड पार्ट इट इज ऑक्युपाइड बाय द जाइलम। ये बीच का पार्ट जो है जाइलम है, यहाँ पर पिथ होना चाहिए था। और जबकि दूसरा जो मैंने यहाँ लिख रखा है साइफनो स्टील, साइफनो स्टील सा मेडुलेटेड स्टील। मेडुलेटेड स्टील का मतलब होता है कि विद पिथ, यानी कि ऐसे स्टील में बीच में क्या पाया जाता है, बीच में पिथ पाया जाता है। देखिए यहाँ बीच में पिथ है और यहाँ पिथ नहीं है, ये नॉन मेडुलेटेड है और साइफनो स्टील मेडुलेटेड है। अब पहले हम प्रोटो स्टील की बात करें तो नॉन मेडुलेटेड विदाउट पिथ दिस स्टील इज कॉल्ड प्रोटो स्टील। एंड इन टेरिडोफाइट्स द प्रोटो स्टील आर फॉलोइंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट एंड शेप ऑफ द जाइलम। जाइलम के शेप के आधार पर हम प्रोटो स्टील को इतने चार पार्ट में बांट देते हैं, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लैक्टो स्टील और मिक्स्ड प्रोटो स्टील। आइए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हैप्लो स्टील को। हैप्लो स्टील में हम क्या देख रहे हैं, द सेंट्रल सॉलिड पार्ट जो बिल्कुल बीच वाला भाग है स्टेम या रूट का, वहां पर जो टिश्यू है ये कौन सा टिश्यू है, दैट इज द जाइलम। और इसके बाहर का पार्ट जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है जैसे फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर होता है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के ऊपर सबसे ऊपर एक्सटर्नल लेयर जो है स्टील की दैट इज इंडोडर्मिस। तो यदि आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि स्टील में कौन कौन से टिश्यू होते हैं तो हमें क्या कहना होगा, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम और जाइलम। मेडुलेटेड के केस में हम कहेंगे कि पिथ भी साथ में पाया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है राउंडेड है, गोल है। तो जब जाइलम का शेप बिल्कुल गोल होता है और सेंटर में होता है तो ऐसी स्टील को हम हैप्लो स्टील कहते हैं। द सेंट्रल राउंडेड जाइलम इज सराउंडेड बाई अ सर्किल ऑफ फ्लोएम एंड फ्लोएम इज सराउंडेड बाई अ कंप्लीट सर्किल ऑफ पेरिसाइकिल एंड फाइनली ऑल दीज टिश्यूज आर इनवेलप्ड आर प्रोटेक्टेड बाई अ लेयर दैट इज द इंडोडर्मिस। ये इंडोडर्मिस है। इस केस में हम देखें, यहाँ पर देखिए ये जो जाइलम का पोर्शन है ये स्टार शेप में बदल गया है,
स्टीलेटेड हो गया है। ऐसे स्टील को हम एक्टिनो स्टील कहते हैं। इस केस में हम देखते हैं ये जो दो रिजेस हैं, यहाँ जो दो रिजेस दिखाई दे रही हैं, इन रिजेस के बीच में जो पार्ट बचता है यहीं पर फ्लोएम कन्फाइंड हो जाता है। यहाँ फ्लोएम एक पूरे सर्किल के रूप में है और यहाँ रिजेस के बीच में जो स्पेस बचा यहीं पर फ्लोएम पाया जा रहा है। तो और फिर ये पेरिसाइकल से घिरा है और फाइनली इंडोडर्मिस से घिरा है। ये इंडोडर्मल लेयर है और ये नीला वाला जो दिखाया मैंने, नीली वाली लेयर, ये है पेरिसाइकल की लेयर। तो यहाँ क्यों देखिए, यहाँ ये राउंडेड है और यहाँ ये स्टार शेप है। जब राउंडेड होगा तो हैप्लो स्केल और जब स्टार शेप में होगा तो एक्टिनो स्केल। अब इस केस में हम देखें तो ये जाइलम का जो कोर है, जाइलम के जो टीसू हैं, वो बैंड फॉर्म में हो गए हैं, प्लेट लाइक, ऐसा लगता है छोटी छोटी सी प्लेट के रूप में यहाँ पर ये बिखरे हुए हैं, जिसे हम बैंड के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जाइलम का ये जो टीसू है रेड कलर का, ये फ्लोएम की टीसू में एम्बेडेड है। ऐसे टीसू को हम प्लैक्टो स्टील कहते हैं क्योंकि ये प्लेट लाइक जाइलम यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जाइलम है और ये ग्रीन वाला पार्ट फ्लोएम है। नीली लेयर जो घेर रही है ये पेरिसाइकल है और सबसे बाहर की लेयर इंडोडर्मिस है। इस केस में हम देखें ये है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो बैंड के रूप में, जो प्लेट के रूप में जाइलम ने अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाइड कर लिया था, यहाँ वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। यहाँ पे ये जो जाइलम है ये छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई दे रहा है और इट इज एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ द फ्लोएम। यहाँ पर हम मिक्स्ड देख रहे हैं, जाइलम फ्लोएम मिक्स्ड है आपस में। That's why this type of steel is called mixed proto steel. In this way, you knew here that the proto steel are of following type on the basis of the arrangement and shape of the xylem. कितने प्रकार का haplo steel, actino steel, plecto steel और mixed proto steel. और lycopodium एक ऐसा पौधा है जिस पौधे में ये चारों प्रकार की स्टील पाई जाती है। आइए अब देखते हैं दूसरा, साइक्लो स्टील। जब प्रोटो स्टील का एडवांसमेंट हुआ, प्रोटो स्टील का इवोल्यूशन हुआ, तब साइक्लो स्टील का फॉर्मेशन हुआ होगा। साइक्लो स्टील हम दो प्रकार से देख पाते हैं, इक्टोफ्लोइक साइक्लो स्टील और एम्फीफ्लोइक साइक्लो स्टील। साइक्लो स्टील के लिए हमें सबसे पहले क्या याद करना होगा, इट इज मेडुलेटेड। कैसा है, इसके अंदर पिथ पाया जा रहा है। इस केस में हमने पिथ नहीं देखा है बीच में। प्रोटो स्टील उसे कहेंगे जिसके अंदर पिथ नहीं है। सेंट्रल कोर इज ऑक्युपाइड बाय द जाइलम, बट हियर द सेंट्रल कोर इज ऑक्युपाइड बाय द पिथ। और पिथ के बाहर की जो ये रेड कलर की लेयर है, ये हमारी है जाइलम। इसके ऊपर की लेयर है फ्लोएम और फिर ये ग्रीन कलर की लेयर है पेरी, सॉरी इसमें बनी, ये देखिए नीले रंग की एक लेयर है, ये है पेरिसाइकल। ये नीले रंग की जो लेयर यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये है पेरिसाइकल और पेरिसाइकल के बाहर की लेयर है इंडोडर्मिस। ये है इंडोडर्मिस। ऐसे स्टील को जब बीच में पिथ हो, पिथ के चारों ओर एक सर्किल जाइलम की हो, जाइलम के बाहर एक सर्किल फ्लोएम की हो, फ्लोएम के बाहर एक सर्किल पेरिसाइकल की हो और सबसे बाहर इंडोडर्मिस की लेयर हो, तो ऐसे साइक्लो स्टील को हम कहते हैं एक्टोफ्लोइक साइक्लो स्टील। अब अगला जो हम देख रहे हैं साइक्लो स्टील एम्फीफ्लोइक, यहाँ हम क्या पा रहे हैं, बीच में देखिए ये पिथ है, पिथ इज सिचुएटेड इन द सेंटर। पिथ के जस्ट बाहर जो लेयर दिखाई दे रही है, जो पिथ को इनवेलप कर रही है, इसे कहते हैं
inner endodermis. इनर इंडोडर्मिस के बाद की लेयर को कहते हैं इनर पेरिसाइकल. इनर पेरिसाइकल के बाद ये ग्रीन कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है इसे कहते हैं इनर फ्लोएम. और इनर फ्लोएम के बाद आता है जाइलम. और जाइलम के बाद पुनः देखिए जैसा यहाँ है फ्लोएम, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद इंडोडर्मिस. यहाँ भी हम देख रहे हैं जाइलम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकल और पेरिसाइकल के बाद इंडोडर्मिस. यानी कि इक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टील में जाइलम का तो एक ही सर्किल होता है लेकिन इंडोडर्मिस से इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फ्लोएम की लेयर अंदर भी होती है और बाहर भी होती है. यानी जाइलम के अंदर भी इंडोडर्मिस पेरिसाइकल होती है, फ्लोएम होती है और जाइलम के बाहर भी फ्लोएम, पेरिसाइकल और इंडोडर्मिस होती है. इसीलिए इसे एमपी कहते हैं. एमपी फ्लोइक मीन्स, एमपी मीन्स होता है उभय यानी अंदर भी और बाहर भी. और फ्लोइक मीन्स फ्लोएम. देखिए फ्लोएम अंदर भी है, फ्लोएम बाहर भी है. लेकिन इसी के साथ साथ पेरिसाइकल अंदर है और बाहर है, इंडोडर्मिस अंदर है और बाहर है. इस तरह की स्टील को हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील. जब एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील का और इवोल्यूशन हुआ तो नई प्रकार की स्टील बनी एंड दैट स्टील इज कॉल्ड सोलेनोस्टील. देखिए ये स्टील को हम सोलेनोस्टील में बदल दे रहे हैं. दिस स्टील इज नाउ नोन एज सोलेनोस्टील. ये हमारी इक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील है. इस स्टील में हम क्या देख रहे हैं कि इस स्टील में हम देख रहे हैं यहाँ पे लीफ ट्रेस डेवलप हो जाता है क्योंकि स्टेम पर लीफ डेवलप होने लगी. तो लीफ कहाँ से कनेक्टेड थी स्टील से? यहाँ जिस पार्ट से जो स्कर दिखाई देता है जहां से लीफ कनेक्टेड होती है स्टीलर सिस्टम से, ये लीफ लीफ ट्रेस कहेंगे. और ये जो बीच में गैप बना इसे कहते हैं लीफ गैप. तो जब ये सर्किल कंप्लीट ना हो यानी सोलेनम स्टील ऐसा स्टील है जिसमें बीच में पिथ है सेंटर में और जाइलम की कंप्लीट सर्किल नहीं है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द लीफ ट्रेस एंड लीफ गैप. लीफ गैप और लीफ ट्रेस के आ जाने के कारण ये सर्किल पूरी नहीं हो रही है. ऐसे स्टील को हम सोलेनम स्टील कहते हैं. एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील का भी ये पार्ट अगर इस तरीके से लीफ ट्रेस और गैप के होने के कारण अगर ये पार्ट गायब हो जाता है, ये नहीं यहाँ पर होता है और इसकी जगह पर डेवलपमेंट हो जाता है किसका, ये इसकी जगह पर डेवलपमेंट अगर हो जाता है लीफ ट्रेस का और ये लीफ गैप, तो इसे कहेंगे एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील. यानी ये है इक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील और ये है एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील. दोनों में अंतर हम क्या पा रहे हैं? यहाँ सर्किल कंप्लीट है, यहाँ सर्किल कंप्लीट है लेकिन इस केस में सर्किल कंप्लीट नहीं है क्योंकि लीफ गैप आ गया है, लीफ ट्रेस आ गया है. यानी कि स्टेम पर खूब सारी लीफ का डेवलपमेंट अब शुरू हो गया, यहाँ एक लीफ ट्रेस है. लेकिन डिक्टियोस्टील का फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर हम देखें कि ये इंडोडर्मिस है और इंडोडर्मिस के बाद डिक्टियोस्टील में हम यही पाते हैं कि छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल बन जाते हैं. ये
जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम ने कंप्लीटली घेर लिया है और फ्लोएम की लेयर को चारों ओर से पेरी, ये पेरी साइकिल की लेयर है। ये पेरी साइकिल की लेयर यहाँ पर हम देख रहे हैं कई गैप बन गए। ये यहाँ पर लीफ ट्रेस है और गैप बन गया, लीफ ट्रेस है और गैप बन रहा है, यहाँ लीफ ट्रेस और लीफ गैप दोनों दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर एक लीफ ट्रेस था और यहाँ कई बन गए, यानी ये कई खंडों में टूट गया है। ऐसे कई खंडों में जब ये टूट जाता है तो इंडोडर्मिस तो कॉमन होगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी वेस्कुलर बंडल बने हुए दिखाई देते हैं, इन्हें हम मेरी स्टील कहते हैं। मेरी, दिस स्टील इज कॉल्ड मेरी स्टील। और बीच बीच में इसके लीफ ट्रेस और लीफ गैप हमें दिखाई देता है। तो जब सोलेनो स्टील का और एडवांसमेंट हुआ, क्राउडेड लीफ पाई जाने लगी, स्टेम पर चारों ओर लीफ डेवलप हुई, तो हम देखते हैं डिक्टियो स्टील का फॉर्मेशन हो गया। और डिक्टियो स्टील का जब एडवांसमेंट हुआ तो पॉलीसाइक्लिक स्टील का फॉर्मेशन। पॉलीसाइक्लिक स्टील में हम ये पाते हैं पॉलीसाइक्लिक में कि वो साइफनो भी है और सोलेनो भी है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये साइफनो स्टील है। इसी साइफनो स्टील में इस स्टील के बाहर अगर सोलेनो स्टील डेवलप होने लगे, ऐसी स्टील यानी साइफनो स्टील के ऊपर ये कवरिंग फिर से ऊपर से आ जाए, तो ऐसी स्टील को पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। इस तरह से टेरिडोफिटिक पौधों में हम पाते हैं कि प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेरिडोफिटिक प्लांट का। इसको आप देख लीजिए, आपके किसी भी एग्जाम में ये आपके काम आएगा। और संभवतः पुनः मैं आपको टेरिडोफाइटा का जो सीड हैबिट है इसे आज शाम को पढ़ाऊंगा।